यार एक काफी सिंपल सवाल है, क्या आप लोगों को सलार का मटेरियल ज्यादा देखने को मिल रहा है आपकी आंखों के सामने, या फिर आपको डंकी का मटेरियल ज्यादा देखने को मिल रहा है आपकी आंखों के सामने? ऑब्वियसली बात है सारे लोगों का आंसर यहाँ पे जो है होगा सलार का मटेरियल। बिकॉज गाइस देखो इसके कारण यहाँ पे जो है सलार ने डंकी को ऑलरेडी बहुत बड़ी लेवल पे यहाँ पे जो है रिलीज होने से पहले हरा दिया। लिटरली गाइस रिलीज होने से पहले सलार यहाँ पे जो है जीत रही है। वो कैसे जीत रही है, चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है कुछ डेटा यहाँ पे जो है दिखाता हूँ, ठीक है? तो सलार यहाँ पे जो है यूएस के अंदर प्री बुकिंग ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, टंकी की भी स्टार्ट हो चुकी है, दोनों मूवीज यहाँ पे जो है एक के बाद एक रिलीज हो रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है सलार यहाँ पे जो है 22 तारीख को रिलीज होगी, टंकी यहाँ पे जो है 21 तारीख को रिलीज होने वाली है, ठीक है? तो बेसिकली यार जो सलार है उसने यहाँ पे जो है $481,000 जो होते हैं ऑलरेडी यहाँ पे जो है अर्न कर लिए हैं रिलीज होने से पहले बिकॉज ऑफ द प्री बुकिंग। 17,800 से ज्यादा टिकटें जो होती है ऑलरेडी उसने बेच दी है। इसी के साथ उसको यूएस के अंदर यहाँ पे 327 से ज्यादा लोकेशंस के ऊपर यहाँ पे जो है रिलीज करने का मौका मिला है, प्लस 2000 से ज्यादा शोज जो होते हैं उसको यहाँ पे जो है मिल चुके हैं। यार सोच सकते हो $481,000 कमाया। मैं डंकी के बारे में बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे डंकी ने सिर्फ यहाँ पे जो है $28,000 की इनकम अभी तक यहाँ पे की है यूएस के अंदर। यहाँ पे उसको यहाँ पे जो है ज्यादा शोज भी नहीं मिले हैं, आई थिंक 800 कुछ शोज मिले हैं, सिर्फ 286 लोकेशंस के ऊपर यहाँ पे। एंड गाइस सिर्फ अभी तक यहाँ पे 2000 टिकटें ही सोल्ड हुई है अभी तक डंकी की। यार सोच सकते हो अभी तक का जो मार्केट है, डिफरेंसेस जो आप देख रहे हो गाइस वो बहुत ज्यादा हाई लेवल के ऊपर है। मुझे को पता है यार देखो एक एक्शन मूवी है और एक ड्रामा मूवी है, ठीक है? अगर यहाँ पे जो है सलार की स्टोरी बहुत अच्छी नहीं रहती है तो ऑब्वियसली बात है डंकी काफी ऊपर चली जाएगी। बिकॉज हम लोगों को यहाँ पे जो है राजकुमार हिरानी के बारे में पता है, उनकी जो मूवीज होती है वो आराम से बॉक्स ऑफिस के ऊपर पे चलती ही रहती है स्टेप बाय स्टेप। तो बस मैं अभी तक यहाँ पे जो है सिर्फ राजकुमार हिरानी के ऊपर यहाँ पे जो भरोसा कर सकता हूँ। उन्होंने जो भी मूवीज दी अभी तक की यहाँ पे सारी की सारी हिट ही हुई है। आप लोग मुझे बताओ क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे लॉन्ग टर्म मार्केट के ऊपर सलार ज़रा ऊपर रहेगी या फिर दोस्तों डंकी? मुझे कमेंट करके जरूर बताना यार।